जनपद में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि अब मौसम शीतलहर की ओर बढ़ रहा है। नवंबर माह शुरू हो चुका है और दिवाली के बाद मौसम में परिवर्तन होना आम बात है। उन्होंने बताया कि इस साल क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हुई है, जिसके कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब धीरे धीरे मौसम ठंडा होने के साथ ही कोहरा भी बढ़ने की संभावना है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय लाइट जलाकर ही वाहन चलाएं, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर नीस से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, अभी मौसम को लेकर के ऐसी कोई पूर्व चेतावनी तो दर्ज नहीं आई है कि आगे मौसम में क्या अत्यधिक क्या परिवर्तन होगा, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम जो है वो शीतलहर की तरफ बढ़ रहा है। चूंकि ये नवम्बर महीना भी शुरू हो चुका है और प्राय देखा गया है कि दिवाली के बाद से थोड़ा सा मौसम परिवर्तनशील होता है, तो उसी तरीके से है। और चूंकि इस साल रह रह करके क्षेत्र में बारिश हुई थी और बाढ़ की भी स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो इस साल ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस साल डेंस फॉग की सिचुएशन रहेगी। जहाँ भी कुहेसा रहेगा वो थोड़ा घना कुहेसा रहेगा, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है जिसपे लेकर के तमाम इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं सभी लोगों को, जो सेफ्टी मेजर्स हैं खासतौर से गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर्स लगे रहें और सब मतलब लाइट ऑन करके ही गाड़ी को ड्राइव करें, तो जब कुहासे के समय में ये इस तरीके से अपने आप को सेव किया जा सकता है। तो थोड़ा सा सुबह के समय में फॉग है, कुहासा है और धीरे धीरे ये मौसम और अभी ठंड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो इसी तरीके से मौसम रहेगा, लेकिन ऐसी कोई पूर्व चेतावनी नहीं है। अब प्रार्थना होगी स्वीकार, जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।